कल होगा यानी दिनांक 4 मार्च को, उसके बाद एक सप्ताह का दावा पत्र का समय, तत्पश्चात फिर फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी, जिन फिर वोटिंग होगी। वोटिंग का जो दिन है वो 4 अप्रैल है, बेंगे जैसा बताया गया कि अभी प्रस्तावित 25 जो प्रखंड है, 14 भोजपुर में और 11 बक्सर में, इनके जो प्रखंड मुख्यालय यहाँ पे वोटिंग होगी 8 बजे से 4 बजे तक के बीच में। काउंटिंग जो है 7 अप्रैल को होगी, इसके बारे में ज्यादा जानकारी कि कहाँ पे काउंटिंग होगी ये सारी चीजें आप लोगों को जो नोटिफिकेशन होगा उसमें बता दी जाएगी। मतदान ये निर्वाचन लड़ने के लिए एनआर जो लगा की व्यवस्था जो है, या जो ऐसा बोला जाए जो इसकी फीस है वो निर्धारित राशि 10,000 रुपए सामान्य लोगों के लिए है और 5,000 रुपए अनुसूचित जाति जनजाति के कैंडिडेट्स के लिए। ये राशि जिला निर्वाचन कार्यालय भोजपुर और बक्सर जिले में भी जो वहां के कलेक्ट्रेट है वहां पे भी जमा की जा सकती है। फॉर्म एनआर जमा करने के साथ ही फॉर्म जो है वो दे दिए जाएंगे। साथ ही साथ प्रेस नोट निर्गत करने की तिथि से इसमें आदर्श आचार संहिता का भी इस जो की आदर्श आचार संहिता के वैसे पहलू जो की इस निर्वाचन से संबंधित है वो लागू हो गए, इसका डिटेल आप लोगों को उपलब्ध भी करा दिया गया है। और सभी राजनीतिक दलों के साथ भी अभी इसमें बैठक हो गई है और उनके प्रतिनिधियों को भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी गई है कि उनसे क्या अपेक्षित हो चुका है प्रेस नोट लागू होने के साथ। प्राधिकार के निर्वाचन क्षेत्र भोजपुर और बक्सर जो कंबाइंड एक निर्वाचन क्षेत्र है जोनों जिला का, इसके लिए 2 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस नोट रिलीज कर दिया गया है। उसके आलोक में आदर्श आचार संहिता प्रेस नोट रिलीज करने के साथ लागू हो गई है जो कि पूरे जिले में लागू है। ये जो प्रेस नोट है उसके अनुसार 9 मार्च को चुनाव की घोषणा होगी, अधिसूचना जारी की जाएगी और 9 तारीख से 16 तारीख तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। 17 तारीख को समीक्षा होगी और 21 तारीख को नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि है। 4 अप्रैल को दिनांक निर्धारित है जिस दिन इसका मतदान होगा, प्रातः 8 बजे से शाम के 4 बजे तक। ये जो मतदान केंद्र है वो हमारे 25 मतदान केंद्र निर्धारित हैं दोनों जिला का मिला के, जो कि प्रखंड मुख्यालय हैं। इनमें जो हमारे वोटर्स हैं जो MP MLA या MLC हैं इस क्षेत्र के, उसके अतिरिक्त जो जिला परिषद के सदस्य हैं, नव निर्वाचित जो हमारे मुखियागण हैं, वार्ड के जो सदस्य हैं, इसके अतिरिक्त जो हमारे नगर निकायों के एग्जिस्टिंग सदस्य हैं, वो उन लोगों का इसमें वोटर लिस्ट में नाम है। वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशन कल 4 मार्च को किया जाएगा जिसमें एक सप्ताह का दावा पत्ती का समय है, तत्पश्चात वोटर लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। ये मुख्य बातें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और सबके साथ बैठक कर ली गई है और उनको भी मानक संचालन प्रक्रिया और जो आदर्श आचार संहिता है उसके प्रावधानों के बारे में अवगत करा दिया गया है। सभी जो भी हमारे इसमें निर्वाचक हैं जो कि अभी प्रस्तावित संख्या 5,969 है, सभी मतदाताओं से भी अनुरोध है कि इसमें अपना मताधिकार का प्रयोग करें और स्वच्छता पूर्वक माहौल में इस निर्वाचन को कराने में सहयोग करें।